का रोल है लेकिन ये रोल मैं करूंगा बाकी आपको जो हीरो को लेना ले लो मैं तो सेट हो गया मैं बोला बहुत सब तो हो गया टाइम से। और सेम टाइम पर आपने अब्बास मुस्तान को एक कहानी भी सुनाई थी <laughs> बाजीगर क्या हो गया था फिर कोई और बाजी मार गया देखो क्या था कि वक्त होता है ना तो आई थिंक uh, कहानी मैंने सुनाई उनको मैंने एक फिल्म देखी उस टाइम पे दौर क्या था पता है ऐसे तो कई हादसे हैं दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट यू प्रॉबली हर्ड इज़ वो कहानी उस टाइम पे मैंने किस बिफोर डाइंग देखी और yes. हम लोग मैं उस टाइम पे बहुत फिल्में देखता था mm. और मैं कई चीजें तो मैं भट्टाप को ले लेकर जाके mm. mm. हाँ. और तू you know, दोस फिल्म mm. और अच्छी लग जाती थी उनकी उन्होंने कई फिल्में ऐसी बनाई भी है ऐसा भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली मेरे को रोल देते थे और फिर मैं आउट हो जाता था फिर देते थे फिर किसी न किसी बात से मैं आउट हो जाता तो वो चीजें वो कर, उस टाइम पे वो दौर था कि हम लोग यहां वहां से उस टाइम पे कॉपीराइट्स और स्टूडियोज आए नहीं थे तो सारी फिल्में कहीं ना कहीं से हॉलीवुड से ज्यादातर इंस्पायर होती थी तो उस टाइम पे मैं बड़ी एलडीज देखता था लगातार फिल्में रात रात तक देखता था और ये जब मैंने देखी थी किस बिफोर डाइंग और फिर मैंने उन तीनों भाइयों को बिठा के निरेशन दिया था कि ये फिल्म है बहुत ऐसी फिल्म है ये रोल विलन का रोल है लेकिन ये रोल मैं करूंगा बाकी आपको जो हीरो को लेना ले लो तो उन्होंने हाँ भी बोल दिया सब कुछ हो गया था अब सडनली खिलाड़ी आ गई खिलाड़ी चल गई हाँ। जो जीता आ गई जो जीता चल हाँ। गई अब पीपल फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन सर्कल नाउ दे वर लुकिंग एट मी कि ये अभी प्रो, प्रोग्रेस कर रहा है अभी वो हीरो बन जाएगा आज नहीं yes. तो कल उस टाइम पे कभी न कभी ना पे टाइम पे हम लोगों ने पहला नशा भी शुरू कर दी हाँ। उस टाइम पे ऑब्वियसली थिंग्स वर गोइंग प्रीटी वेल एंड इट वाज स्टिल इन द मेकिंग सो दैट टाइम पहला जी वाज वेरी क्लोज टू मी ही ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद मी सो ही टोल्ड मी कि कुछ होगा तो बताना होगा सर ये है तो बोला ठीक है ये करते हैं तो बताओ क्या करना है मैं बोला आप पिक्चर देख लो पहले तो, तो मैंने उनको जाके मूवी बता दी मूवी देख ली उन्होंने मूवी पास है तेरी दीपक बोल बा, क्या करना है बोलता है मैं बोला कि सर आपने देख लिए तो ये अपन सेटअप बना लेते हैं डायरेक्टर मेरे दोस्त हैं इन्होंने खिलाड़ी की है खिलाड़ी हिट हो गई है तो मैं अब्बास मस्तान को नरेशन दे चुका हूं, उनको भेज देता हूँ मतलब मतलब कमाल है वो तो एक ऐसे मुंह पे पैसे डालता बोला शेड्यूल पूरा खत्म करके आ जाओ तो, तो, मैं तो सेट हो गया मैं बोला बहुत सब तो हो गया टाइम सेट है बराबर हो गया था तू कब गया और सडनली फिर मैंने आ, मैं चीज डाला गया उन्होंने बोला बोलते है, काम करना पूजा का डबल रोल कर देना पूजा तो तेरी फ्रेंड है हाँ। बोला हाँ, पूजा कर लेगी मैं बोला मैं हाँ। करवा दूंगा उसको टेंशन मत लो आप आप सेटअप कर लो डायरेक्टर को फाइनल कर लो साइन कर लो और हम लोग आ जाते जाता हाँ। अब उन्होंने बुलाया होगा बात की होगी अब्बास मस्तान के साथ में तो बाद में मेरे को फोन आया पहला जी का बेटा ऑफिस आ तेरी कहानी में ट्विस्ट है बोला है ये क्या है बोला आ जा आ जा अब मैं ऑफिस गया तब मुझे बताया कि इन्होंने तो बोला कि इन्होंने ये ऐसे ऐसे वीनस को दिया है और फिर ये किया है आई वॉज इन अ शॉक आई सेट के अच्छा उस टाइम पे शाहरुख मेरा दोस्त हम लोग रोज़ रात को पार्टी कर रहे हैं हाँ। तो मैंने शाह को भी बोला था मैं बोला तेरे पास आया बोलता है, आया उसके घर पे था तो उसके घर पे उसकी सी पड़ी हुई है तो वहाँ पे टेप टेप भी पड़ी हुई है तो मतलब तुमने देख ली मैं देख ली

उनका सपोर्ट uh, मिलना मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है बिकॉज बिफोर आशिकी तब तक मैं बहुत स्ट्रगल किया उनकी हाँ, भी तो हाँ, <laughs> देखते भी नहीं थे किसी को मिलते भी हाँ, नहीं थे उनको पहुंचना भी मतलब हाँ, बहुत मुश्किल था बिकॉज ही लाइक अनिल कपूर एंड कपूरिंग द इंडस्ट्री तो मेरे लिए उनका एक मिलना भी के दीपक तू यार तेरे मैं हर जगह से तेरा नाम सुन रहा हूँ तूने अच्छा काम किया तूने अच्छा काम किया तेरे कोई भी सपोर्ट चाहिए हेल्प चाहिए मेरे को बताना तो उस टाइम पे मैं रिक्कू जी के पास पहुंच गया मतलब रिक्कू था मतलब मेरे को ऐसा ऐसा मेरे साथ चीटिंग हुआ है

कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आप प्लीज़ हमको ये कर दो तो रिक्कू ने मेरे को बोला रिक्कू जी बोलते हैं मेरे को कि रिकुदा बोले कि क्या करना है दीपक मैं बोला सर जबरदस्ती क्या करेंगे अभी किसी को उनके करियर का सवाल है मैं तो इधर ही हूँ इंडस्ट्री में मैं कहाँ जाने वाला हूँ वो भी इधर ही है चलो आज नहीं तो कल नहीं। वो जो एक जबान देते हैं ना इंडस्ट्री में कि हम आगे करते हैं आपके साथ वो उस टाइम पे नहीं पता था कि वो आगे कभी होता नहीं है वो सिर्फ बोलने के लिए होता है

एंड आई जस्ट फेल्ट यार इट वुड नॉट बी राइट आई सेट आई वेट फॉर अब्बास मस्तान मे बी समिंग माइट हैपन यू नो टमोरो चलो ठीक है लेट्स गो बिकॉज मैंने इतनी फिल्मियाँ देखी मैंने इतनी फिल्में देख के मैंने कितने तो मैंने सब्जेक्ट्स कितने लोगों को ऐसे ही दिए हाँ. तो जो बने जिसकी फिल्में बनी जो फिल्में चली भी yes. तो मेरे को इतना मालूम था कि यार इतना एक्यूमेट है कि आप कुछ ना कुछ और भी निकाल लेंगे mm. और उसी बेसिस पे मैंने बोला चलो ठीक है छोड़ देते हैं एंड आई लेट इट गो नॉट रियलाइजिंग दैट दीज वर्ड्स आर नॉट